चांचल्य महाराष्ट्र एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्या महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश हरियाणा विभिन्न स्थान रे चढ़ऊ मुंबई क्राइम ब्रांच रो तना घना दुई जन को गिरफ सह 28 टी गुली जबत हत्या पाई निज को दायी कला लॉरेंस बिसोई गैंग अभिनेता सलमान खान का बासभवन रे बढ़िला सुरक्षा व्यवस्था महाराष्ट्र रा पूर्वतन मंत्री तथा एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को हत्या घटन रे मुंबई क्राइम ब्रांच टीम रो छानबीन वर्तमान सुद्धा दुई जन को गिरफ करा जाई छी सिमानक टारु जबत होई छी 28 टी गुड़ी दुई अभियुक्त को गुड़ाई तुड़ाई जेरा करिसेंती एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक आउ जन अभियुक्त शूटर उत्तर प्रदेश रहितिबार सूचना मिलछि एतिमै महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश हरियाणा रो 15 टी स्थान रे चढ़ाउ करिछि क्राइम ब्रांच टीम गतकाली राति रे अजित पावर गोष्ठी रो एनसीपी नेता सिद्दीकी को 5 राउंड गुलीमाड़ होइतला गुरुतर अवस्था रे तांको मेडिकल निया जाइतिले मध्य डाक्टर सेठारे तांको मृत घोषणा करथिले 15 दिन पूर्वरु सिद्दीकी को मिलितिला हत्या धमक यहाँ परे तांको वाई कैटेगरी सिक्योरिटी भी मिलितिला कड़ा सुरक्षा व्यवस्था सत्वे अपराधी माने तांको अति निकटरु गुलीमाड़ करथिले यहाँको ने महाराष्ट्र रा सिंधे सरकार को टारगेट करिछंती विरोधी बांद्रा पश्चिम रु तीनि थर विधायक थिबा सिद्दीकी 48 वर्ष धरी कांग्रेस सहित जड़ित थिले गत फेब्रुआरी रे कांग्रेस छाड़ी अजित पवार के एनसीपी रे जोग देथिले बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र रो जने प्रभावशाली नेता थिले सबु दल रो नेतांका सह तांकर भलो संपर्क थिला प्रति वर्ष से भव्य इफ्तार पार्टी रो आयोजन करथांती एतरे बॉलीवुड रो अनेक नामी दामी सेलिब्रिटी शामिल होइथांती तांका परलोक रे बहु राजनेता तथा बॉलीवुड कलाकार बाबा सिद्दीकी को परिवार को भेटी समवेदना जनाइछंती प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स पे जिन लोगों ने फायरिंग की है वो तीन लोग थे उसमें से दो पकड़े गए और एक फरार है उसका सर्च शुरू है एक एक्यूज घटनास्थल से निकल चुका क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर है हर एक एंगल से हम इस पे इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए उनकी सहायता ली जा रही है और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं बाबा भाई एक बहुत अच्छे इंसान बड़े नेकदिल इंसान हंसते रहने वाला इंसान सबकी मदद करने वाला व्यक्ति और जो रैक्स टू रिचेस कहते हैं उस तरह के एक इंसान थे हम लोग के तो बड़े व्यक्तिगत दोस्त थे हम लोग साथ में काम किए थे लेकिन जो हुआ है उसके लिए मुंबई पुलिस को और सरकार को बहुत सख्ती से पेश आना पड़ेगा और जो भी हत्यारे हैं दो हत्यारे पकड़े गए हैं एक फरार है बेचारी दौड़ का रहने वाला है और मुझे बताया गया कि वो लगभग एक महीने से कुरला में कोई फ्लैट लेकर रह रहे थे और उनकी रेकी कर रहे थे तो उसको यहाँ लाने वाले कौन उनको सुपारी देने वाले कौन इन सब की जाँच होनी चाहिए सेपड़े बाबा सिद्दीकी हत्या मामला रे निजो को दाई करी ची लॉरेंस बिसोई गैंग सोशल मीडिया रे पोस्ट करी एक गैंग हत्या करी थी बारा दावी करी ची बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का सह सिद्दीकी का संपर्क थिला सलमान खान का सह बिश्नोई गैंग रे विवाद रो कारण बाबा सिद्दीकी बोली पोस्ट लिखा जाई ची बाबा सिद्दीकी हत्या घटना पर अभिनेता सलमान खान का बासभवन गैलेक्स की अपार्टमेंट रे सुरक्षा बढ़ाई दिया जाई ची कि विद इन मिनट्स ऑफ क्राइम द पुलिस केम इनटू एक्शन पुलिस ने इस पर तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई आरोपियों को पकड़ा और खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहे हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आरोपियों को सजा भी दी जाएगी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना घटी है बाबा सिद्दीकी जी हमारे विधिमंडल के जिसके पहले हम साथ काम कर चुके हैं और ऐसे व्यक्ति का चले जाना ये बहुत ही दुखनीय है और जिस परिस्थिति में उनकी मौत हुई है वो बहुत ही दुखनीय है और सरकार इसके ऊपर गंभीर एक्शन लेगी इसका मुझे पूरा विश्वास है एबे नजर पकाई बा लॉरेंस बिश्नोई गैंग ऊपर से कहे कि सलमान खान को टारगेट कर विराला कृष्ण सार मृग शिकार को नहीं विष्णु गैंग पूर्वर अनेक थर सलमान खान को टारगेट हत्या धमक दिया जाए गत अप्रैल मास रे सलमान खान को मुंबई स्थित बासभवन बाहर विष्णु गैंग पक्ष गुलीमाड़ होता
ତାପରଠାରୁ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ବଢ଼ିଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। 31 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଲରେନ୍ସ ବିଷୋଇ ଘର ପଞ୍ଜାବର ଫିରୋଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ତା ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ରହିଛି ଅନେକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା। ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ପରେ ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସାବରମତୀ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜେଲରେ ରହି ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ବିଦେଶରୁ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଗୁଜରାଟର ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। 2022 ମସିହାରେ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ସିଦ୍ଧୁ ମୂସେୱାଲାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ କାନାଡ଼ା ଓ ଆମେରିକାରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି। जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।